हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मेरा अप्रॉक्सीमेटली फिफ्थ व्लॉग है और फिफ्थ व्लॉग में आज हमारे साथ जुड़े हैं एक और यूट्यूबर बिलासपुर से, हमारे भाई आरुष। क्या हाल है? एंड अभी हम जा रहे हैं एक बहुत अच्छी जगह पे, मतलब हम पहले गए हुए हैं लेकिन उसको जगह का बार बार जाने का कुछ मजा ही अलग है। अभी ना हम लोग जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग जो स्पॉट है बिलासपुर का, वहाँ पे वो चीज़ मैंने कभी कवर नहीं किया है और आई गेस किसी और ने भी बहुत ही रेयरली कवर किया होगा। और हमेशा ना हम लोग नीचे ग्राउंड से ही देखते हैं कि यार ग्लाइडर उड़ रहा है तो एक अच्छी सी फील आती है, लेकिन कभी मतलब इतने पास से नहीं देखा। तो वो तो डिपेंड करता है हमारे लक पे कि अभी कोई होगा ऊपर या नहीं होगा। बाकी नहीं भी होगा तो वहाँ से ना पूरी सिटी का एक बहुत ही पीसफुल और बहुत ही सुंदर एक व्यू देखने को मिलता है। तो अभी लेट्स मूव टुवर्ड द बंदला हिल्स, और उसका प्रॉपर नाम तो मुझे नहीं पता लेकिन जगह का पता तो हम ज़रूर बताएंगे। और वीडियो को आज बिना स्किप किए पूरा देख लो। ये रास्ता कट होगा अगर आपने पैराग्लाइडिंग स्पॉट पे जाना है, अगर आपके पास व्हीकल है तो ये रास्ता लेके जाएगा। रास्ता काफ़ी कच्चा है लेकिन काफ़ी शॉर्ट करेगा थोड़ी सी जर्नी, ये पैराग्लाइडिंग स्पॉट तक लेके जाएगा। सीधा रास्ता आपको ऊपर खापड़ काफ़ी है, बट अगर आप ले जा सकते हो अपना व्हीकल ऊपर तो श्योर लेके जाइए। वहाँ पे हमने स्कूटी पार्क की है और इस रास्ते से भी हम जा रहे हैं आगे। जैसा कुछ रास्ता है जो आपको पैराग्लाइडिंग स्पॉट तक लेके जाएगा गांव से होते होते, बीच बीच में लोगों का घर भी है। तकरीबन हमें 10 मिनट हो चुका है चलते चलते, और 10 मिनट का ये जो छोटा सा ट्रैक था ये काफ़ी सही है, मतलब उतना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बच्चा हो या कोई भी हो इजीली उसको कवर कर सकता है। ये हार्शली 700-600 के मीटर के आसपास का ट्रैक है और गांव से होता होता जाएगा तो आप ऐसे मतलब गांव वाली वाइब्स भी फील कर सकते हैं यहाँ पे। ओह, वॉशरूम, पब्लिक वॉशरूम, 3 का है बेशक, चलो सफाई का ध्यान रखा गया है। आप पढ़ सकते हैं वो हिमाचल पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन नवनिर्मित उड़ान स्थल बंदला। पहुंच चुके हैं भाई साहब, ना फाइनली पहुंच चुके ऑलमोस्ट पैराग्लाइडिंग वाली जो जगह है वहां पे, लेकिन वो बस्ती है उधर सामने, सिर्फ हार्डली 10 मीटर का गैप है। और लेकिन जो ना यहाँ से हमें व्यू देखने को मिल रहा है ना, वो मतलब मैंने आज से मैं तकरीबन आया था यहाँ पे 6-7 साल पहले और अभी मैं आ रहा हूँ आज, मतलब आज की डेट में ये व्लॉग भी आज ही शूट हो रहा है, अपलोड भी आज ही होगा। सो मतलब एक तो फ़ायदा ये हुआ यहाँ पे आ गया ना मुझे कि सडनली कल ही बारिश हुई थी और आज मौसम इतना साफ है और इतना क्लियरली सब कुछ दिखाई दे रहा है ना कि पूछो ही मत यार, दिल खुश होगा यहाँ पे आके। राइट नाउ मी एंड आरुष पहुंच चुके हैं हम पैराग्लाइडिंग वाले जो स्पॉट जो मैंने आपको नीचे से दिखाया था वहाँ पे, और 6-7 साल बाद आके यहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। सॉरी फॉर दैट आई कॉन्टैक्ट, क्योंकि धूप सीधा आंखों पे लग रही है। और यहाँ पे आके ना आपको एक फ़ायदा ज़रूर मिलेगा कि आपको पूरा एरियल व्यू जो देखने को मिलेगा बिलासपुर का, और इफ़ यू हैव अ ड्रोन और अगर आपके पास कोई DSLR कैमरा है तो फिर वो आपकी वीडियो को और आपके फोटोग्राफ्स को पूरे 4 चांद लगाने वाला हिसाब कर देगा। क्योंकि मतलब ये वाला जो एरियल व्यू यहाँ से देख रहे हो आप, ये शायद ही मैंने किसी ब्लॉग में दिखाया होगा इतना ज़बरदस्त, और शायद ही मैंने कभी बिलासपुर का इतना प्यारा और इतना सही जो एरियल व्यू है कभी देखा होगा लाइफ में। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा कि अगर आप कभी भी बिलासपुर आओ या बिलासपुर में रहते हो तो एटलीस्ट एक बार इस प्लेस को ज़रूर आके विज़िट करो। मतलब क्या ही कहें इस प्लेस के बारे में, इतना सही है प्लेस। सर्दियों में तो वैसे धूप सेकने का मज़ा आएगा यहाँ पर। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस है जो दिख रहे हैं, मेरा घर भी दिख रहा है तो मैं भी आपको दिखाता हूँ पूरा पे देखने के लिए। और वो जो सामने आप देख रहे हैं ये बंदला का मंदिर है जो मैंने काफ़ी व्लॉग्स में दिखाया है, और वो सामने रेस्ट हाउस है बंदला का जहाँ पे अक्सर लोग घूमने फिरने आते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर व्लॉग भी बनाया हुआ है। सो कुछ ऐसा प्लेसेस है। और जो रास्ता है हमने लिया हुआ जिस रास्ते से हम अभी आए, आप इमेजिन नहीं करोगे कि इतनी स्टीप चढ़ाई चढ़ के हम लोग ऊपर आए हैं। तो मुझे तो खुद ही देख के हैरानी लग रही है कि भाई हम इतनी चढ़ाई चढ़ गए हैं।
और मतलब लग नहीं रहा है, बिलासपुर वाला एरिया है, काफ़ी अच्छा सा लग रहा है मतलब यहाँ पे आगे। और इतनी ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ से होते हुए हम वहाँ पे, और वहाँ से पीछे पीछे होते हुए आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और दूसरी साइड आपको मैं पूरा सिटी दिखाता हूँ ज़रा, अगर मेरे कैमरे में सब कुछ सही से आ रहा है क्लियर, तो आप देख सकते हो वहाँ पे है आपका चांदपुर का पुल, और ये पूरा नीचे आपका बिलासपुर सिटी है जो मेन सिटी है। इस बार पानी उतना नहीं आ पाया जितना रेगुलरली आता है, तो ये ग्राउंड वगैरह जल्दी अब सूखना शुरू हो गए हैं, लेकिन व्यू काफ़ी अच्छा है और मतलब ये दिल को छूने वाला है। और यहाँ से आपको दूर दूर के पहाड़ भी दिखाई दे रहे होंगे शायद, वाले साइड आपको झील का जंगल है, और वहाँ से भी कोई रास्ता है शायद नीचे से अगर पैदल आने का, आई गेस ऐसा लग रहा है मुझे। रोशवाई अपना व्लॉग बना रहे हैं, और यहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है, ये जो स्पॉट है मेनली यहाँ से होती है पैराग्लाइडिंग, यहाँ से जंप करके जाएंगे और सीधा आसमान की ऊंचाइयों में। यहाँ पे आके ना हमारी ज़रा बोलती सी बंद हो चुकी है, कि मतलब समझ नहीं आ रहा कि पहले मैं इसको निहारूं, कि मैं आपको बताऊं कि मैं कैसा फील कर रहा हूं, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक तो हम आए भी इतने टाइम बाद है, तो मैं ऑलमोस्ट इस प्लेस को भूल ही चुका था, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बारिश के सडन बाद आने से यहाँ पे इतना सही व्यू मिले। हवाओं ने ना हमारी तबीयत फिर से नासाज कर दी है, और लग रहा है कि अभी जुकाम थोड़ा और बढ़ेगा, बट ये शू आप इग्नोर कर दिया, क्या क्या हुआ, कोरोना के चांस बहुत है बल्ला है। नहीं भाई, हम कोरोना वॉरियर है खुद के लिए, हमारी इम्यूनिटी जो है ना बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की स्ट्रॉन्ग है, पता तो बहुत बढ़िया। भाई मैं बोल रहा हूँ ना व्यूअर्स को, जो दूर पहाड़ियाँ दिख रही है ना, जितना यहाँ का इजी लाइफ मतलब हमें लगता है कि बहुत सुंदर है भाई साहब, बहुत ही ज़बरदस्त है और अमेजिंग है, ब्यूटीफुल है, उतना ही ना यहाँ की जो रियलिटी वो काफ़ी हार्श है, लाइफस्टाइल है काफ़ी डिफिकल्ट है, काफ़ी ज़्यादा टास्क है। क्या बोलते हो, सही बोलो ना, बिकॉज यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो कहते हैं कि कितना दूर है यहाँ से एक डिस्टेंस से दूसरे, हम कहते हैं 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर, वो कहते हैं चल 20 मिनट लगेंगे, उन्हें क्या पता कि इसके 40 मिनट लगेंगे। वही ना, और काफ़ी ज़्यादा मतलब जो उनकी डेली लाइफ भी होती है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब से टास्कफुल होती है, क्योंकि अभी आप यही देख रहे हो ये बंदा एरिया है ना, यहाँ पे अगर लकड़ी लाने भी जाना हो तो ये आपको ये पूरा एरिया घूमना पड़ेगा, शहरों की तरह नहीं है कि आपने फ़ोन पे ऑर्डर किया और एक चीज़ घर पे पहुँची। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ छोटा छोटा टारगेट आप लोगों को देता हूं, और आप लोग बड़े ही प्यार से वो टारगेट मेरा अचीव करवाते हो, तो लास्ट की वीडियो का टारगेट था 30 लाइक्स, और आज की वीडियो का हम टारगेट पूरा नहीं रखेंगे, 5-5 नहीं बढ़ाएंगे हर वीडियो में, तो आज की वीडियो का एक लाइक एम हम रखेंगे मात्र 33 लाइक्स, और 33 लाइक भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप लोग वैसे ही करवा देते हो बिना बोले, हर वीडियोस में ऑलमोस्ट 38-39 लाइक्स पहुंचे हुए, तो आप इस वीडियो पे भी ज़रूर कराएं, मैं वेट करूंगा वैसे कल शाम 6 बजे से पहले 33 लाइक हो जाने चाहिए। और कमेंट करके बताना अपना फेवरेट प्लेस, और कमेंट करके ये भी बता ही देना कि आपको कैसा लगा प्लेस, एंड बिलासपुर से अगर कोई देख रहा है तो वो भी कमेंट कर सकता है।